कोयंबटूर, आज का दिन ये बहुत खास दिन है, मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के दोनों राज्यों के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई। कोयंबटूर आकर तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने प्रदेश के किसी शहर में आया हूं। कोयंबटूर की मनोरम प्रकृति, सुमधुर संस्कृति ने मुझे अपने प्रदेश की कमी महसूस नहीं होने दी है। बात प्राकृतिक सुंदरता की हो, सांस्कृतिक विविधता की हो, वन संपदा की हो, खनिज बहुलता की हो, या तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में कई समानताएं हैं। आज के इस कार्यक्रम में सभी उद्यमियों, सभी निवेशकों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है और तमिलनाडु को देश के मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में स्थापित करने में आप सबकी जो भूमिका है वो अत्यंत प्रशंसनीय है। आपको मैं बधाई देना चाहता हूं। ये आप सबकी उद्यमिता, समर्पण का ही परिणाम है। कोयंबटूर एवं त्रिपुर की पहचान दक्षिण भारत के टेक्सटाइल हब के रूप में है। कोयंबटूर और त्रिपुर को आप सबने संपूर्ण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में स्थापित किया है, जहां से लगभग 50,000 मिलियन डॉलर का निर्यात होता है। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट निर्माण के क्षेत्र में भी कोयंबटूर संपूर्ण तमिलनाडु को आप सबने महत्वपूर्ण मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में ख्याति दिलाने का काम किया है। मुझे बताया गया है कि इंजीनियरिंग उद्योग, पंप मैन्युफैक्चरिंग, स्मार्ट मशीनी उपकरणों के निर्माण में भी कोयंबटूर के उद्यमियों का कोई तोड़ नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश में भी टेक्सटाइल, गारमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्योग तेजी से विकसित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन क्षेत्रों में अपार संभावना है। मध्य प्रदेश में निवेश करके आप अपने व्यापार व्यवसाय को नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं और यही सही समय है। मध्य प्रदेश का वस्त्र उद्योग इकोसिस्टम, साथियों, हमने मध्य प्रदेश में निवेश के हर पहलू का ध्यान रखा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए राज्य का इकोसिस्टम अत्यंत अनुकूल है। राज्य में पिछले 3 वर्षों में कपास के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जैविक कपास के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। आज मध्य प्रदेश परिधान निर्माण के क्षेत्र में एक आकर्षक बाजार के रूप में उभर रहा है, जहां वर्ष 2003 में वृहद स्तर की परिधान निर्माण की 11 इकाइयां थी, अब बढ़कर 53 हो चुकी है। छोटी बड़ी लगभग 1000 इकाइयां हैं। राज्य में 60 से अधिक वृहद स्तर की आधुनिक टेक्सटाइल मिल, 8000 से अधिक पावरलूम इकाइयां, 40000 से अधिक पावरलूम उद्योग और 12000 से अधिक हैंडलूम कार्यरत है। विविंग में विविधता प्रदान करने वाली 150 से अधिक जिनिंग इकाइयों के साथ टेक्निकल टेक्सटाइल श्रेणी में भी प्रदेश तेजी से उन्नति कर रहा है। प्रदेश में पिछले 1.5 दशक में टेक्सटाइल सेक्टर की संपूर्ण वैल्यू चेन, जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, प्रोसेसिंग, डाइंग, गारमेंटिंग में लगभग 25000 करोड़ का निवेश हुआ है और 75000 नवीन रोजगार सृजित होंगे। भारत सरकार की पीएलआई स्कीम के अंतर्गत टेक्सटाइल सेक्टर में प्रदेश को 3513 करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है, जो देश में सर्वाधिक है। प्रदेश में 1.5 दशक में टेक्सटाइल्स सेक्टर की संपूर्ण वैल्यू चेन में लगभग 20000 करोड़ का निवेश हुआ है। वृहद श्रेणी के गारमेंट उद्योग को आकर्षित करने के लिए प्रदेश में विशेष रेडीमेड गारमेंट्स पॉलिसी लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत गारमेंट इकाइयों को उनके द्वारा स्थायी पूंजी निवेश के 200% तक वित्तीय सहायता का प्रावधान है। मध्य प्रदेश में कामगारों, विशेषकर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण है, जिससे उन्हें रात में शिफ्ट करने में कोई परेशानी नहीं आती है। आज हमने 2 MOU किए हैं, जिनसे आप लोगों की खास करके विशेषता का लाभ
लेकर कपास के रकबे और उत्पादकता को और बढ़ाने का कार्य करेंगे। राज्य में टेक्सटाइल सेक्टर के स्किल डेवलपमेंट हेतु विशिष्ट संस्थान हेतु अपैरल ट्रेनिंग से डिजाइन सेंटर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि मौजूद है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बदलती जरूरतों के अनुरूप मानव संसाधन तैयार करने के लिए हम प्रदेश के जबलपुर शहर में अति आधुनिक स्किल डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत करने वाले हैं। संपूर्ण प्रदेश में स्किल मैन पावर तैयार करने के लिए तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन के साथ भी MOU किया है, जो स्किल डेवलपमेंट एंड क्लस्टर डेवलपमेंट को सहायता देगा। मध्यप्रदेश शासन देश में टेक्सटाइल एंड गारमेंट उद्योग को सर्वोत्तम वित्तीय लाभ का पैकेज दे रही है। वित्तीय लाभ प्रदान करने का हमारा ट्रैक भी अत्यंत प्रभावशाली है। काटन की उपलब्धता, सस्ती भूमि और आकर्षक वित्तीय लाभों के कारण देश की बड़ी टेक्सटाइल कंपनियां मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित हो रही है। वर्धमान, ट्राइडेंट ग्रुप, नाहर ग्रुप, ओसवाल ग्रुप आदि कुछ बड़े नाम हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपनी विश्व स्तरीय इकाइयां स्थापित की है। अकेले ट्राइडेंट और वर्धमान ग्रुप ही मध्य प्रदेश में अब तक लगभग 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश कर चुके हैं। विश्व की सबसे बड़ी टॉवेल बनाने की इकाई ट्राइडेंट मध्य प्रदेश के बुधनी में स्थापित है। यहां प्रतिवर्ष 25 करोड़ टॉवेल बनाते हैं। साथियों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि तमिलनाडु की तरह मध्य प्रदेश में भी PM मित्रा इंटीग्रेटेड मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्वीकृति मिली है। धार जिले में 2100 एकड़ से अधिक भूमि पर स्थापित किए जा रहे PM मित्रा पार्क में वस्त्र उद्योगों के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ साथ प्रशिक्षण अनुसंधान सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। PM मित्रा पार्क में बिजली एवं पानी में विशेष छूट दी जाएगी। वस्त्र उद्योग इकाइयों को बिजली 4.36 पैसे प्रति यूनिट एवं 25 रुपए प्रति किलो लीटर की दर से जल उपलब्ध कराया जाएगा। आपको जानकर खुशी होगी, इस पार्क की प्रारंभिक चरण में अब तक 6,900 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव आ चुके हैं। ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट एवं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हब बनता मध्य प्रदेश। बात अगर ऑटो इंडस्ट्री की करें तो मध्य प्रदेश में 10 से अधिक OEM तथा 200 से अधिक ऑटो कंपोनेंट निर्माण की उपस्थिति है। राज्य में कमर्शियल व्हीकल निर्माण क्षेत्र में कई कंपनियां कार्यरत है। फलस्वरूप कमर्शियल व्हीकल निर्माण हेतु जरूरी OEM एनसीलर की भी कई सारी छोटी बड़ी इकाइयां हैं। प्रदेश में ऑटो सेक्टर हेतु सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंडो जर्मल टूल रूम इंदौर, द सेंट्रल फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी में, पीथमपुर में ऑटो क्लस्टर ट्रेनिंग सेंटर एवं ऑटो टेस्टिंग ट्रैक नेटट्रेक्स इत्यादि भी उपलब्ध है। 2000 हेक्टर में पीथमपुर ऑटो क्लस्टर में 25,000 लोग कार्यरत हैं। पिछले कुछ समय में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में परिदृश्य काफी तेजी से बदला है। विश्व अब पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से चलने वाले इंजन की बजाय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तथा इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट हमारे फोकस सेक्टर्स में शामिल है। राज्य शासन शीघ्र ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हेतु फोकस्ड नीति भी ला रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निर्माण को प्रोत्साहन देने हेतु राज्य शासन इंदौर के निकट EV डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र स्थापित कर रहा है। प्रदेश में EV व्हीकल्स, कमर्शियल एंड टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स का निर्माण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में संभावना का प्रदेश। हमारे प्रदेश को खनिज संपदा, वन संपदा, जल संपदा, पर्यटन संपदा का भरपूर उपहार मिला है। उद्योगों की स्थापना एवं निवेश के लिए हमारा प्रदेश
पीपल फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन है। देश के हृदय में स्थित होने के कारण प्रदेश के अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी अच्छी है। प्रदेश में रेल से लेकर रोड और हवाई परिवहन की भी अच्छी सुविधा उपलब्ध है। प्रदेश के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स विभिन्न एक्सप्रेस वे गुजर रहे हैं। प्रदेश में विद्युत सरप्लस स्टेट है। उद्योगों के लिए राज्य में पर्याप्त लैंड बैंक भी है और साथ ही साथ हमारे पास 1,25,000 एकड़ से भी अधिक लैंड बैंक उपलब्ध है। हमारा प्रदेश क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का भंडार है। प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा के मामले में अग्रणी है। रीवा में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ओमकारेश्वर में सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क लगा रहे हैं जो ESG के प्रावधानों को पूरा करने में सिद्ध होगा। राज्य में 320 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं। राज्य में 10 फूड पार्क्स, 5 SEZ, 5 स्पाइस पार्क्स, 2 मल्टी प्रोडक्ट SEZ तथा 2 लॉजिस्टिक पार्क्स हैं। हम नए औद्योगिक पार्कों MSEZ की स्थापना कर रहे हैं। प्रदेश को IT हब के रूप में विकसित करने के लिए हमारी सरकार ने नई IT पॉलिसी लागू की है, जिससे IT उद्योगों को मिलने वाली सब्सिडी की प्रक्रिया को फेसलेस कर दिया है। उद्योग धंधे की स्थापना को आसान बनाने के लिए हम स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जैसे कार्यक्रम चला रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्य को साकार करने के लिए राज्य में लागू सिंगल विंडो सिस्टम की गणना देश के श्रेष्ठ नवाचारों में होती है। प्रदेश में उद्योगों की सुगमता हेतु सिंगल विंडो सिस्टम इन्वेस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया है, जो भारत सरकार के नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ एकीकृत है। ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से वित्तीय प्रतिपूर्ति इंसेंटिव एप्लीकेशन के संबंध आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है। साथ ही हमारा प्रदेश फ्यूचर रेडी प्रदेश है। यहाँ संभावनाओं के साथ सरकार का सहयोग और जनता का साथ है। आजादी के अमृतकाल को मध्यप्रदेश का भाग्योदय बनाने के लिए हम प्रदेश के उद्योग धंधों को वैश्विक चेन का हिस्सा बनाने के विजन पर काम कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश में ला रहे निवेश की क्रांति। प्रदेश में उद्योगों की स्थापना विकास के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए हम प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की नई पहल प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि उज्जैन में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद जबलपुर में दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ है। उज्जैन में आयोजित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 12 देश और 650 से अधिक औद्योगिक निवेशकों की भागीदारी हुई है। 2100 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस बैठकों में 4000 से अधिक डेलीगेट्स ने भाग लिया है। 1,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के आवंटन पत्र दिए गए हैं। इन इकाइयों द्वारा 12,170 करोड़ से अधिक का निवेश कर 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उज्जैन के कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश के 10,000 करोड़ से अधिक की लागत की 60 से अधिक औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ हुआ है, जिनमें 17,000 से अधिक रोजगार सृजित होने की संभावना है। जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में डिफेंस, खनन, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, वस्त्र एवं परिधान, पर्यटन इत्यादि क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं के सत्र हुए हैं। 265 औद्योगिक इकाइयों को 340 एकड़ भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र दिए गए हैं। 17,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिसने प्रदेश के 13,000 युवाओं को रोजगार दिलाया है। कॉन्क्लेव के दौरान प्रदेश में 167 इकाइयों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन किए गए हैं, जिसमें 1,530 करोड़ का निवेश हुआ है। 13 जुलाई 2024 के दिन हमने मुंबई में इन्वेस्ट इन MP रोड शो का आयोजन किया था, जिसमें लगभग 450 निवेशक शामिल हुए। इस कार्यक्रम के माध्यम से अब तक 75,000 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव हमको मिले हैं। प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन को प्राथमिकता देते हुए हमने वर्ष 2025 को उद्योग वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय किया है। अंत में साथियों, भोपाल में 7-8 फरवरी 2025 को इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। मैं आप सबको प्रदेश में चल रही
निवेश क्रांति का हिस्सा बनने का भरोसा है। मध्य प्रदेश में उपलब्ध अपार अवसरों का लाभ उठाते हुए आप विकसित भारत के साथ विकसित मध्य प्रदेश के हमारे विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज यहां हमारे साथ डॉक्टर नल्ला पल्लानी स्वामी, चेयरमैन केएमसीएच हॉस्पिटल, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। इस अवसर पद्मश्री डॉक्टर सक्षी बेल, डॉक्टर केजी बाल सुब्रमण्यम, डॉक्टर एम मणिकम, सीएमडी शक्ति सुगर्स और राजकुमार जो ऑलरेडी उज्जैन में काम कर रहे, जिनने अपना शेयर हमारे अपने बीच अनुभव बांटे हैं, बेस्ट कॉरपोरेशन, डॉक्टर आर वी रमनी शंकर आई हॉस्पिटल, आपका विशेष हमारा मध्यप्रदेश में खासकर इंदौर में हॉस्पिटल से आपका और तमिलनाडु का हमारा रिश्ता और मजबूत हुआ है, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। उपस्थित औद्योगिक संगठन तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन, द सदर्न इंडियन मिल्स एसोसिएशन, द साउथ इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन, इंडियन कॉटन फेडरेशन, द सदर्न इंडिया इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन, अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशंस काउंसिल, इंडियन टैक्स प्रेनर्स फेडरेशन इत्यादि के साथ बैठ करके आनंद आया। एक मेरी बात का थोड़ा अनुवाद कर देंगे आप? जरा इलाय राजा, मैं कुछ बोलना चाहूंगा, ये लिखा हुआ पढ़ दिया मैंने अभी। सच में तो हम अतीत की घटना याद करें कि अंग्रेजों ने भारत पे राज्य करने के लिए व्यापार के रास्ते से आगे बढ़े थे। हमारी प्रतिभा अपने देश के अंदर व्यापार व्यवसाय के कारण से एक दूसरे राज्यों के नजदीक आए, ये आज की इन्वेस्टर समिट का बड़ा कारण ये भी है। हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाने की दिशा में संकल्प लें। மாண்புமிகு முதலமைச்சர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் பீப்புள் வந்து இங்க வரும்போது வியாபாரம் மூலமா தான் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள வந்து வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வர்த்தக ரீதியா வந்து நிறைய உறவுகள் வந்து வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. நம்ம மத்திய பிரதேசத்துக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் இடையில வந்து வர்த்தக ரீதியான உறவுகள் வந்து பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுடைய தலைமையில் மத்திய பிரதேசம் தமிழ்நாட்டுக்கான வர்த்தக ரீதியான உறவுகளை வந்து நம்ம நம்பர் ஒன்ல வந்து கொண்டு வருவோம். वैसे तो मैं कल से आकर के अत्यंत आनंद में डूबा, मुझे बड़ा मजा आया आप सबसे मिलकर के। और ये कोयम्बटूर को हमने अपने आप में अपने बलबूते पर जैसे खड़ा किया, त्रिपुर हो कोयम्बटूर हो, अब आपको मध्य प्रदेश बुला रहा है, आपका सबका स्वागत है। நேத்திலிருந்தே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் வந்ததிலிருந்து ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்றாங்க. இங்க இந்த கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு அனைத்துமே வந்து உங்களுடைய அர்ப்பணிப்பு, உங்களுடைய டெடிக்கேஷன்ல தான் வந்து நீங்க வந்து இதை உருவாக்கி இருக்கிறீங்க. இதே மாதிரி மத்திய பிரதேஷ் இப்ப வந்து மத்திய பிரதேசக்கான டைம், நீங்க மத்திய பிரதேஷ் வாங்க, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து மத்திய பிரதேச வந்து ஒரு முன்னேறிய மாநிலமா வந்து உருவாக்குவோம். समय की कमी के कारण से अभी हमने एजुकेशन, हेल्थ ऐसे कई सेक्टर में विस्तार से बात नहीं की, उसमें भी बहुत बड़ी संभावना है। டைம் ரொம்ப குறைவா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து கல்வி, மருத்துவம் இந்த மாதிரியான செக்டர்ஸ் பத்தி நாம வந்து இன்னும் பேசல, பட் அதுலயும் வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் வந்து மத்திய பிரதேசத்துல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்காக இருக்கு. ஓ சீப் கா மோதி வஹாபி இன்தஜார் கர் ரஹா ஹை, சீப் மே மோதி பன்னே கே லியே வஹாபி உஸ் செக்டர் மே பி இன்தஜார் ஹை. ஹா, ஏக் ஜோ உன்னே சுனாயா நா டாக்டர் சங்கர், बारिश की बूंद गिरती है सीप में। अभी संकरा இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இல்லீங்களா, மலை துளி வந்து முத்து வந்து உருவாகும் அப்படினு சொல்லிட்டு, அந்த முத்து உருவாகிறதுக்காக நாங்க வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படி சிஎம் சார் சொல்றாரு. इसीलिए आज के दिन को अमिट बनाने के लिए, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का रिश्ता मजबूत करने के लिए हमने यहां से प्रेम बांटने के लिए आए हैं, व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आए हैं, यहां से व्यापार छीनने नहीं आए हैं, आपको नए अवसर देने आए हैं, जिसके कारण से हम और आप मिलकर के एक नई आर्थिक प्रगति की राह पकड़े।
மத்திய பிரதேஷ் தமிழ்நாடு ரெண்டோட உறவு வந்து இன்னும் பலப்படணும். அதுக்காக நாங்க வந்து இங்க அன்பை வந்து பகிர்ந்துக்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம். இங்க இருந்து வந்து தொழில வந்து எடுத்துட்டு போகிறதுக்காக வரல, அங்கிருந்து நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மத்திய பிரதேஷ் தமிழ்நாடு ரெண்டு மாநிலத்தையும் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு முன்னேறிய மாநிலமா எப்படி உருவாக்கணுமோ அதுக்காக முயற்சிக்காக இங்க வந்திருக்கோம். इसीलिए आज मैं घोषणा करना चाह रहा हूं यहां के उद्यमियों को मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोलने का निर्णय किया है. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் வந்து இப்ப ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல மத்திய பிரதேஷ் நம்ம हमारा कोयम्बटूर कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बीच में व्यापार व्यवसाय बढ़ाने का सेतु का काम करेगा. कोयम्बटूर ऑफिस मध्य प्रदेश तमिलनाडु रेंडुक्कुम व्यापारमो वर्तकम रोम्ब ऑफिस कंडीपा एदिर्कालत्तुल उरुदुणैया इरुक्कुम अप्पडिनु नंबरेन. बहुत बहुत धन्यवाद. तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना, इस वक्त तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मौजूद है. और देखिए मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा क्या कुछ तमाम खास बातें कही गई है वो भी आपको बता देते हैं. जबलपुर में स्किल डेवलपमेंट की तमाम अपार संभावनाएं हैं, बड़ी कंपनियां एमपी की ओर आकर्षित हो रही है. इसके साथ ही प्रदेश तेजी के साथ विकास कर रहा है और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी कहा कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं. और अब जिस तरीके से हमने देखा कि इस वक्त तमिलनाडु के कोयम्बटूर में मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहे नजर आए और साथ ही जो तमाम इन्वेस्टर्स हैं उनको मध्य प्रदेश में आने का न्योता भी उन्होंने दिया है, आमंत्रित किया है. और साथ ही उनसे यह भी कहा है कि अपार संभावनाएं हैं, मध्य प्रदेश में निवेश अवश्य करें, जरूर करें. और दक्षिण भारत के इन्वेस्टर्स को यहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव न्योता देते हुए नजर आए. इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निवेशकों को इन्वेस्टर्स को संबोधित भी किया. और यह भी आपको बता दें कि यहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये भी साथ ही उनको न्योता देते हुए कहा कि तमाम अपार संभावनाएं हैं, मध्य प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट सेंटर की भी शुरुआत होगी. इसके साथ ही वस्त्र उद्योग इकाइयों को बिजली पानी में छूट भी मिलेगी. और तो और मध्य प्रदेश में रोड और हवाई सेवाएं भी उपलब्ध है. महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश काफी ज्यादा सुरक्षित है. प्रदेश का आईटी हब के रूप में विस्तार भी होगा आने वाले दिनों में. इसके साथ ही इन्वेस्टर्स का मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जिस तरीके से भी हमने देखा स्वागत करते हुए नजर आए. तो कोयम्बटूर दौरे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और अभी जिस तरीके से आपने सुना कि वहां पर इन्वेस्टर्स को संबोधित करते हुए नजर आए और साथ ही मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने जानकारी दी कि आखिरकार मध्य प्रदेश में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, निवेश करेंगे तो तमाम जो संभावनाएं, अपार जो संभावना है वो आपको दिखेंगी, खुलती हुई नजर आएंगी. क्योंकि मध्य प्रदेश बेहद ही सुरक्षित है, महिलाओं के लिहाज की बात करें या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात करें. और चलिए बात करेंगे छिंदवाड़ा की. छिंदवाड़ा से